हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल कुमार, आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। आज आपको वीडियो लेके आया हूँ हाउ टू सिक्योर एंड पेटीएम कैसे सिक्योर करें, कितना सुरक्षित है पेटीएम और कितना कैसे धोखाधड़ी ऑनलाइन से बच सकते हैं। आज इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और बारे में इस चैनल में आपको हिंदी में पूरी जानकारी मिलेगी। तो समय न देर करते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इस पेटीएम सेफ एंड सिक्योर, कितना सुरक्षित है पेटीएम, कैसे बचे ऑनलाइन धोखाधड़ी से। आजकल इन दिनों कई लोग शॉपिंग और बिल पेमेंट रिचार्ज सभी के लिए पेटीएम का यूज़ करते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि बहुत सावधानी बरतें। पेटीएम फ्रॉड के बारे में आपने सुना ही होगा। डिजिटल पेमेंट में छोटी सी भी भूल हज़ार रुपये का नुकसान करवा सकती है। 2016 में हुई नोटबंदी के बाद से इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ा है। आज हर व्यक्ति डिजिटल ऐप और नेट बैंकिंग बैंक से ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर रहा है। पैसे भेजने से के लिए इन दिनों कई तरह की ऐप भी हैं। भीम, रुपए और पेटीएम जैसी एप्लीकेशन का यूज़ करोड़ लोग कर रहे हैं। यदि आप शॉपिंग, बिल पेमेंट, रिचार्ज सभी के लिए पेटीएम का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सी सावधानी बरतनी है। ज़रूरत है कि दरअसल पेटीएम वॉलेट फ्रॉड्स के बारे में आपने सुना ही होगा। डिजिटल पेमेंट में छोटी सी भी भूल आपको हज़ार रुपये का नुकसान करवा सकती है। पेटीएम OTP किसी से शेयर ना करें। डोंट शेयर पेमेंट ऑन वन टाइम पासवर्ड। OTP शेयर ना करें। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में OTP किसी से शेयर ना करें, चाहे पेटीएम की हो या नेट बैंकिंग। बैंकिंग की पेटीएम में लॉगिन के दौरान ही एक नंबर आता है जिसे OTP कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी नंबर है जो आपकी पहचान जाहिर करता है। कई बार ठग को फ़ोन कर पेटीएम की OTP मांगते हैं। किसी भी तरह कि यही सूरत में आपको OTP शेयर नहीं करना है, ना फ्रेंड्स और ना फैमिली मेम्बर। जरूरी हो तो ऐसा करें, ध्यान रखें। एक OTP किसी से शेयर किया गया हो, वह न केवल अकाउंट एक्सेस करेगा बल्कि पेटीएम में आपके अकाउंट से पैसे भी ऐड करने से लेकर वॉलेट के पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। पेटीएम की KYC नहीं होता है। पेटीएम KYC ऑनलाइन वेरिफिकेशन एड ऑन। पेटीएम KYC नहीं होता है। KYC की फर्जी कॉल। KYC का मतलब होता है KYC यानी नो योर सर्टिफिकेट, यानी आपकी पहचान के दस्तावेज। ऑनलाइन फ्रॉड के करने वाले कॉल करके पेटीएम अकाउंट की KYC कंप्लीट करने की बात कहते हैं। इसे कभी शेयर ना करें क्योंकि आपको डिटेल से वह बड़ी ठगी करते हैं। यदि KYC मांगे तो तुरंत उसकी सूचना पेटीएम कस्टमर केयर नंबर पर दें। इसके अलावा अगर आपको KYC करवानी है तो पेटीएम के ऐप पर जाकर भी आप इसे खुद अपडेट कर सकते हैं या फिर पेटीएम एग्जीक्यूटिव नंबर पर कॉल करवा सकते हैं। पेटीएम पेमेंट में रहे सावधान। पेटीएम पेमेंट सेफ्टी। फर्जी लिंक से बचें। पेटीएम के फर्जी लिंक से बचें। पेटीएम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे तो फर्जी लिंक से बचें। हैकर्स और फ्रॉड करने वाले फर्जी लिंक भेजते हैं और फिर आपको चूना लगा देते हैं। मीडिया के आई एक खबर के मुताबिक शिमला एक व्यक्ति ने यूट्यूब से पेटीएम ट्रांजेक्शन का फर्जी लिंक बनाना सीखा। हज़ारों की ठगी। पेटीएम और ऑनलाइन धोखाधड़ी हो तो क्या करें। हाउ टू पेटीएम फ्रॉड कंप्लेंट। आप पेटीएम में धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो सबसे पहले पेटीएम कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या नंबर आपको पेटीएम ऐप के ऊपर कोने पर बने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। वहाँ आपको पेटीएम 24/7 पेटीएम कस्टमर केयर नंबर पर विकल्प दिखेगा, बल्कि बाद ही क्विक लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में थोड़ा नीचे जाकर आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी वाला क्लिक चुनाव मिलेगा और क्लिक करते ही कुछ नए विकल्प खुलेंगे। यहाँ जिस तरह की धोखाधड़ी हुई है उसके हिसाब से विकल्प चुने। वहाँ विंडो खुलेगी, वहाँ जाकर पूरी घटना का ब्यौरा दें। यहाँ रखें कि यह सारी जानकारी कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसे अटैच करें। एक्सपर्ट रिव्यू ऑन पेटीएम। हाउ टू रिपोर्ट पेटीएम एंड यूज पेटीएम को कैसे रिपोर्ट करें और यूज़ कैसे करें। किसी भी ऑनलाइन ऐप, चाहे वह फिर पेटीएम क्यों ही ना हो, इसका यूज़ बहुत ही सावधानी से करें। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना बड़ा है उतनी ही तेज़ी से फ्रॉड। आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से पैसे लूटने की संभावना ना के बराबर रहती है। आपको कंप्लेंट की फिर चाहे वह बैंक की क्यों ना हो, दर्ज तो कर ली जाती है, लेकिन उस पर एक्शन आपके पैसे लौटा ही लाएगा ये ज़रूरी नहीं है। इंडिया साइबर लॉ उस तरह रूप से एक्टिव नहीं है और ना ही फैसले जल्दी आते हैं। ज़्यादा पैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में वैसे बच्चे अलर्ट रहे। यदि आपकी फैमिली, माता पिता, बुजुर्ग पेटीएम से पेमेंट की
ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए सुविधा में चक्कर में नुकसान ना हो जाए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट भी कमेंट देना ना भूलें, ताकि पता पड़े, हमारा मोटिवेशन मिलता है कि आप कमेंट आए कि आपने हमारा वीडियो अच्छा लगा या कैसे, वो भी कमेंट दें ताकि हम पता पड़े कैसे वीडियो बनाएं।